अटल जी को याद रखेंगे, समझ गए ना, उनके प्रति हमारा सम्मान। इसीलिए तो देख लीजिए पक्ष में फैसला हो गया करके और हाईकोर्ट को बता दिया, उसका चुनाव हो गया। रेलवे का तो बड़ा इम्पोर्टेंस है, एक एक आदमी को आने जाने का रास्ता पहले से ही है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लास्टीज देख रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना कराई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट से भी अब जब बिहार सरकार को एक बड़ी जीत मिली है तो इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ खुशी प्रकट की है और कहा है कि हम लोग जब शुरू में कह रहे थे उस वक्त तो ऑल पार्टी के लोगों को हमने राजी कराया था, सभी लोग इसके समर्थन में भी थे, विधानसभा से दो दो बार ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित भी हुआ है, लेकिन पता नहीं बीच में क्यों कुछ लोगों को दिक्कत आने लगी। आज सुप्रीम कोर्ट में कह सके लंबी बहस के बाद बिहार सरकार को जीत मिली है, बिहार सरकार जाति आधारित गणना करा सकती है। वहीं जमकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर ताने कसे नीतीश कुमार ने, श्रद्धेय अटल जी का वो सम्मान करते हैं, श्रद्धेय अटल जी उन्हें कितना मानते थे, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी नीतीश कुमार आज याद कर रहे थे, बिहार शरीफ पहुंचे थे जहां पर उन्हें विभिन्न जो कार्यक्रम थे उसमें शिरकत किया है, तमाम जितने सरकारी कार्य चल रहे हैं उसका जायजा लिया है और नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा है अटल जी हमको कितना मानते थे और आजकल रेलवे का क्या हाल है, क्यों नहीं रेलवे का बजट अलग अलग करते हैं, आम बजट में ही जो दोनों ही बजटों को समाये हुए हैं क्यों नहीं अलग बजट करते हैं, वहीं नौकरी देने के मुद्दे पर भी नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। तो एक एक चीज़ की जानकारी होगी तो विकास के काम को आगे बढ़ाने में सुविधा होगी ना, कैसे लोगों को मदद करें, कैसे उनको आगे बढ़ाएं, इस मकसद से किया जा रहा है। तो इसीलिए तो देख लीजिए पक्ष में ही फैसला हो गया, अब बीच में लग रहा था कि सब सारे पार्टी की सहमति से भला बताइए किया गया है और उसके बाद कुछ लोग अपना कर लिए। हमको देख के तो बड़ा अफसोस हुआ था, हम अखबार ही पर देखे थे वो बिहार शरीफ का कोना थी, हम बहुत लोग जरा मिलवाओ तो हमको जी अगर बिहार शरीफ का सचमुच है तो उनसे पूछे, भला बताइए कौन आदमी था हमको नहीं पता, अखबार वहाँ हम देखे हम नहीं जानते, तो कोई मिला नहीं। दोनों पक्षों पर जीत हुई आपकी, नगर निकाय चुनाव संपन्न करा लिया आपने, जाति आधारित जनगणना भी। नगर निकाय का तो चुनाव होगा तो उसके लिए तो जो बनाए थे हम लोग जो कर रहे थे बात हुई तो हम लोगों ने सामने रख दिया कि ठीक है हम लोग फिर कर लेते हैं सर्वे करके और हाईकोर्ट को बता दिया, उसका चुनाव हो गया और चुनाव में वही लोग शामिल हुए जो पहले अपना मतदान किए थे, मतदान नहीं मतलब अपना जो नॉमिनेशन किए थे, तो नॉमिनेशन वाले जितने किए थे उन्हीं का हो गया, तब कितना खुशी है सबको। किसी तरह का दिक्कत आई, जो बीच में दिक्कत आई तो सब काम हम लोग करा करके उन लोगों को दे दिए मौका, तब क्या अब तो सबका वो हो गया। सब बिहार में सर, बिहार में अब नौकरी बंटने लगी है, केंद्र सरकार की तरफ से भी आज कैंप लगाए गए, समूचे बिहार में नौकरी बांटी जा रही है रेलवे का, क्या कहेंगे आप लोगों का जो रोजगार का अभियान है उसी को लेकर के। जरा साहब जब हम रेल मंत्री थे श्रद्धेय अटल जी की सरकार में है तो जरा उस समय का पता कर लीजिए कि रेलवे में कैसे हम लोग कितना लोगों को नौकरी दिलवाए थे, और रेलवे में तो मिलना ही चाहिए सर। सर आज सबसे बड़ी बात है, वो बात और हम कहेंगे कि रेल का जो बजट था हाउस में जब उसकी चर्चा होती थी आपको मालूम है रात भर चलता था हाउस, हम जब उसका जितने दिन हम रहे रात भर जब आता था बजट और इतनी खुशी होती थी और उस समय का समूचा अखबार को देख लीजिए कितनी चर्चा होती थी एक एक चीज के बारे में, सब लोगों का रुख था। तो इसका जो निर्माण था तो इसके लिए तो बताइए रेलवे के लिए तो बहुत बड़ी चीज है ना, फिर से अलग बजट तो कहेंगे कि फिर रेलवे का तो करवाइए ना, बजट काहे के लिए अलग किए हुए। रेलवे का तो बड़ा इंपॉर्टेंस है, एक एक आदमी को आने जाने का रास्ता पहले से ही है, अब कितना ज्यादा विकसित किया गया हम लोगों ने किया श्रद्धेय अटल जी की सरकार में, हमको दोबारा बनाए हमने कहा वो स्वीकार किए और एक एक चीज को उसके बाद जो विकसित किया गया, अब इसके बाद आगे तो और बढ़ाना ही, आबादी भी बढ़ गई और ज्यादा बन जाए खूब अच्छा हो जाए एक एक चीज हो जाए वो अच्छी चीज है और बहाली तो होनी ही चाहिए। लेकिन हाँ हम तो चाहेंगे कि भाई फिर कम से अब इसके बाद आगे तो और बढ़ाना ही, आबादी भी बढ़ गई और ज्यादा बन जाए खूब अच्छा हो जाए एक एक चीज हो जाए वो अच्छी चीज है और बहाली तो होनी ही चाहिए। लेकिन हाँ हम तो चाहेंगे कि भाई फिर कम से कम सर सर बजट पेश होता था रेल का वो बजट रहना चाहिए, काहे पता नहीं क्या इन लोगों को हुआ कि उसका बजट नहीं रहने दे रहे, खूब चर्चा होती थी, अब पूरे देश में उसकी चर्चा होती थी, सारे कोई पार्टी के हों एमपी लोकसभा में हो राज्यसभा में सब लोग कितना भाग लेते थे और जब हम लोग काम करते थे, जरा इन लोगों को कह दीजिएगा कि उस समय का पता करवा लीजिए
कि कितना ज्यादा कोई पार्टी का एमपी रहे, कोई पार्टी का लोकसभा राज्यसभा, कितना ज्यादा लोग पसंद करते थे। सब लोगों का बैठा करके काम करते थे कि 6 महीना में अपने एरिया का बताइए, उसमें कम से कम पूछ देते थे एक बात बताइए, करते रहते थे और कितनी खुशी होती थी। अब आज लोग जो राज में हैं तो उनके उनके के जो जगह था वहाँ हम लोग कम किए हैं। सब चीज को याद तो रखिए लोग, अटल जी को याद रखेंगे, समझ गए ना, उनके प्रति हमारा सम्मान। आप फिर तो जानते ही है, अडवाणियों जी से कभी, अरे अडवाणियों जी से कभी पूछ लीजिए ना। तो बिहार शरीफ पहुंचे नीतीश कुमार ने, एक तरफ जहां लोगों से मुलाकात की है, कई लोग जो अपनी फरियाद लेकर खड़े थे उनसे मुलाकात की है, उनकी फरियाद को सुनी है, आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है, वहीं अब देर शाम को जीविका दीदियों से संवाद भी करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है नरेंद्र मोदी की सरकार पर जमकर ताने कसे, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।